Subscribe and click the bell icon for all the television updates. Hi guys, मैं हूँ कांची सिंह और आज चली मसाला के साथ मैं एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट करने वाली हूँ, कलेक्शन. बिकॉज हर एक्टर के पास किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन होता है, तो मेरे पास भी है. वैसे बहुत सारी चीज़ों का है, बट वन ऑफ द कलेक्शन आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज़ माय मेकअप कलेक्शन. हाँ, मैं बहुत मेकअप करती हूँ, सब बहुत मेकअप करते हैं, और इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ आई लव 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 बाइंग मेकअप. मेरे पास बहुत सारा मेकअप है, बीट लिपस्टिक्स, बीट फाउंडेशन, बीट एनी थिंग. सो येस, आई एम गोइंग टू शो यू ऑल माई मेकअप स्टफ. एज यू कैन सी, ये मेकअप किट है, मेकअप पाउच है, ब्रश किट्स है, बहुत कुछ है मेरे पास. सो येस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. एज यू ऑल नो कि लड़कियों को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई डोंट थिंक कि इस दुनिया में कोई भी है जिसे मेकअप करना नहीं पसंद है, जो बोलते कि वो हम मेकअप नहीं करते. आई एम सॉरी, सब मेकअप करते हैं, बहुत सारा मेकअप करते हैं, और मुझे भी मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है. सो टुडे आई विल शो यू कि मेरा मेकअप कलेक्शन क्या है. सो एज यू कैन सी, एक बड़ा सा किट है. ये बेसिकली किट मैं अपने शूट्स पर लेकर जाती हूँ, बिकॉज शूट्स पर यू नेवर नो ना, कोई और सीक्वेंस आ जाए या कभी कुछ और हो जाए. सो इसमें बहुत कुछ है. ये पाउच है, दिस इज़ माई, यू कैन कांट से डेली मेकअप, बट येस, जब भी अभी मैं जब व्हेन आई एम नॉट शूटिंग एंड जब मुझे कोई मीटिंग करनी रहती है, कुछ करना रहता है, उसमें वो मेकअप है. दीज टू आर माई ब्रश किट्स. सो फर्स्ट आई विल शो यू ऑल कि मेरे इस पाउच में क्या है, एंड फिर हम पिटारा खोलेंगे. सो येस, आई एम नॉट अ ब्यूटी ब्लेंडर पर्सन. मुझे पुराने नुस्खे पसंद है ज़्यादा, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, एंड लोग कहते हैं कि यू नो उससे मेकअप अच्छा होता है. तो आई एम वेरी स्पंज पर्सन, क्योंकि मुझे शूट से आदत लगी है, तो दैट्स माई स्पंज. हाँ, तो ये मेरा स्पंज है और पफ है. इसके बिना मेकअप अधूरा है. ओके, सो फर्स्ट, ओके सो ये भी खोल ही देती हूँ. तो एक्चुअली दोनों में सब कुछ है, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. बाप रे, अब लोग ट्रोल करेंगे, बोलेंगे इतना मेकअप. पर ये सबके पास रहता है, मैं कुछ ये नहीं हूँ, इस जैसे को दिखाता नहीं है. एंड बिकॉज आप सब इतना प्यार करते हो, आई डोंट माइंड शोइंग योर. रेडी? सो आई एम सॉरी, थोड़ा गंदा हो रहा है, आई हैवन्ट क्लीन्ड इट. ओके, टूट गया, रखे. सो पहले मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? बहुत भारी है. ठीक है, तो मैं पहले दिखाती हूँ कि मैं बेस क्या क्या है. सो आई हैव फेंटी ब्यूटी. लेट्स स्टार्ट विद फेंटी ब्यूटी. एवरीबडी नोज दिस ब्रांड इज़ बाय रियाना, एंड इंडिया में नहीं मिलता. सो व्हेन आई वेंट टू दुबई आई गॉट दिस, एंड बहुत 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 कवरेज अच्छा है इसका. सो फेंटी ब्यूटी मेरा फेवरेट है, जो कि मैं सबसे कम यूज़ करती हूँ. देन आई हैव मैक, जो सब यूज़ करते हैं. मेकअप फॉरएवर बेस है, डर्मा बेस है, पी ए सी बेस. दिस इज़ स्मैश बॉक्स. ये मुझे हेली ने रिकमेंड किया था. गाइस, लेट मी टेल यू ऑल, शी ऑल्सो, वो इतना मेकअप नहीं करती, बट शी रिकमेंडेड मी दिस वन. दिस इज़ स्मैश बॉक्स. ओके, तो ये तो मेरे बेस हो गए, और भी होंगे शायद, पता नहीं अंदर. सो येस, मैं एक्चुअली फॉर डेली यूज़ आई गो फॉर डर्मा, विच इज़ गुड फॉर इंडियन स्किन. इट्स अ जर्मन ब्रांड, एंड मैं काफ़ी टाइम से वही करती आई हूँ, सो दैट्स वेरी गुड. तो आई गो फॉर दैट. बाकी जब कोई पार्टी या कुछ रहता है, सो आई गो फॉर फेंटी ब्यूटी और मेकअप फॉरएवर और ऑल ऑफ दिस थिंग्स. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग. मैं पहले कंट्रोलिंग करती हूँ, उसके बाद मैं पाउडर यूज़ करती हूँ. सो आई हैव अ कंट्रोलिंग स्टिक मेरे पास दो. दिस इज़ बाई पी ए सी, दिस इज़ अ कंट्रोलिंग स्टिक, एंड दिस इज़ ये जो ये साइड बेस है और ये साइड कंट्रोलिंग का है. दैट्स फॉर कंट्रोलिंग. फिर आता है पाउडर, बनाना पाउडर. सो दिस इज़ बाई पी ए सी. सी, आई बिलीव मैं एक्सपेंसिव ब्रांड्स या यू नो लो ब्रांड्स में बिलीव नहीं करती. आई बिलीव जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, जिससे आपको पिंपल्स या ये सब चीज़ें नहीं आती, आई बिलीव यू शुड यूज़ दैट, नो मैटर वो चीज़ 300 की हो या 3000 की हो. सो पी ए सी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, एंड मैं इसका बनाना पाउडर यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट सूट्स माई स्किन. मेरी स्किन पर चीज़ें बैठ चुकी हैं. सो या दैट्स अबाउट इट, बेस हो गया. अब बात करते हैं आई शेडोज की. मेरे पास बहुत सारे पैलेट्स हैं. एक तो ये है, आई डोंट नो विच ब्रांड दिस वॉज, क्योंकि मिट चुका है.
This is by Sephora. I can see this, and ये भी काफी use हो चुका है. और this is by Sephora again. I love Sephora, and मैं पागल हो गई थी जब Sephora, you know, India में आया था. So these are all very basic colors. So yeah, ठीक है. अरे मेरे पास ये भी है, a contouring powder. This is by Benefit. So it's very good. It's very very good. So I love this one. So the base powder हो गया. ब्लश ऑन्स की बात करें सो आई यूज़ कलर बार. इट्स अ वेरी 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 अंडर रेटेड ब्रांड बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी नाइस. इट्स वेरी रीजनेबल एंड बहुत अच्छा ब्रांड है ये. इंडियन स्किन को काफ़ी सूट करता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल बिलीव इन ऑल दीज बिग ब्रांड्स. दे आर ऑफकोर्स गुड बट दीज आर वेरी अंडर रेटेड ब्रांड्स एंड दे आर वेरी गुड. सो आई यूज़ कलर बार. देन हाईलाइटर्स आर दिस हुडा हाईलाइटर. वेरी नाइस. मैं दुबई से लाई थी. कितना मेकअप है ना. बहुत मेकअप है. एंड दिस इज बाय मैक. हाइलाइटर इज बे. तो ये सब हो गया. अब बात करते हैं मस्काराज की. एक ही ब्रांड के चार मस्काराज है. सो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ मावला का. इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अगेन लोगों को ज़्यादा इस ब्रांड के बारे में नहीं पता है. मावला यू गेट इट इन एनी ब्यूटी स्टोर. वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है. मुझे लैशेज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं लैशेज़ वैसे भी मैं नहीं लगाती. जब शूट्स रहता है कुछ रहता है तभी मैं लगाती हूँ. सो इट्स अगेन पाँच है मेरे पास. पाँच, दो नए हैं और बाकी जो थोड़े थोड़े ड्राई हो गए बट मैं फिर भी उन्हें यूज़ करती हूँ. आई लव लव इट सो मच. यू कैन सी दिस. और एक मेबेलिन का है. दिस इज ऑल्सो गुड. ये भी है मेरे पास ब्लश ऑन पैलेट. अब बात करते हैं लिपस्टिक्स की. सो लेट्स स्टार्ट विद मैक. मैक की मेरे पास सबसे सबसे ज़्यादा लिपस्टिक्स है. इतनी है कि आधी तो रखे रखे ख़राब हो जाती. चार तो ऐसी है हाथ में और मिल नहीं रही. सो दीज शेड्स आर वेरी गुड. मुझे ज़्यादा डार्क शेड्स पसंद है बट डार्क शेड्स में ज़्यादा लगाती नहीं हूँ. बट पर्सनली मुझे डार्क शेड ज़्यादा पसंद है. न्यूज में अगर बात करें तो आई हैव दिस. सो दिस इज़ फ्लोरमार. अभी मैं बारेन जब गई थी. सो बारेन, ऑल दीज गल्फ कंट्रीज आर नोन फॉर यू नो देयर अरेबिक मेकअप. सो अभी जब मैं बारेन गई थी वहाँ से दिस ब्रांड इज़ कॉल्ड फ्लोरमार एंड वहाँ पर बहुत ही रीजनेबल मेकअप मिलता है बट इट्स अमेजिंग. इट्स ब्यूटीफुल. मैं जब भी द लिपस्टिक आई एम वेयरिंग ऑल्सो दैट्स ऑल्सो बाय फ्लोरमार एंड इट्स वेरी सस्ता. लाइक फॉर 700-800 यू विल गेट अ गुड लाइक नाइस लिपस्टिक. So I'm wearing this shade right now. And उसके मैं काफ़ी सारी एक मॉम के लिए भी लेकर आई थी मैं. What's inside? काजल बहुत है. वाइट ब्लूश टर्कोइशिश सब बड़ा वाइट. मैं जब साउथ कोरिया गई थी मैं कितना कुछ लाई थी बिकॉज साउथ कोरिया इज़ नोन फॉर यू नो स्किन. मैं स्किन प्रोडक्ट्स बहुत सारे लाई थी एंड मेकअप भी बहुत लाई थी. सो यू नो साउथ कोरियंस की रहती है उनको आईज पे ना ये ग्लिटर हाइलाइटर बहुत पसंद है. सो वेर एवर आई ट्रैवल मैं वहाँ का मेकअप लेकर आती हूँ. मुझे बहुत पसंद है मेकअप लगाना. नहीं, हाँ लगाना भी पसंद है बट कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद है. एंड ग्रीन काजल मेरे पास हर कलर का काजल है. ब्लैक व्हाटएवर. सो या और ये भी मैं लेकर आई थी ग्लिटर. सॉरी मैं ऑर्डर में नहीं बता रही हूँ क्या क्या जो मुझे समझ आ रहा है मैं दिखा रही हूँ. दिस इज़ ग्लिटर आई शेडो. तो थोड़ा सा भी अगर आप अपने आई लिड्स पर लगा दोगे ना तो वो एकदम ग्रो करेगा. सो आई यूज़ दिस. और टिंट इट्स वेरी नाइस बाय बेनिफिट. काफ़ी लोगों के पास ये टिंट होगा. एंड थोड़ा सा अपने चीक्स एंड लिप्स पर लगाओ तो इट गिव्स अ नाइस फ्लैशी लुक. ये भी देखो 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 मैं ये लेकर आई थी कोरिया से लिपस्टिक और ये अभी तक ऐसी है. See, I haven't used it. और शिट मैं सिमिलर कलर बारेन से भी ले आई. सेम कलर और एक ही बार एक ही यूज़ की है. मम्मी को पता चल गया ना मारेगी मुझे. ये भी देखो ये भी अभी तक यूज नहीं किया है. ऐसे ही रखा हुआ है. और बाकी लैशेज़ हैं क्योंकि शूट्स में लगती रहती है बिकॉज कभी कभी आपको आईज़ अपनी बड़ी चाहिए रहती है. और बस वही सारा मेकअप जो सबके पास रहता है. लिपस्टिक्स बेस कंट्रोलिंग ब्लश आई शेडो. सो यू कैन सी ऑल. या मैं एक्सप्लेन और क्या करूँ. सारी लिपस्टिक्स है ऐसी रखी हुई है.
Brush, yes, I can show you all my brush kit that's left. That's my brush kit. So these are the brushes which I use daily. मैं कभी अपना कभी अपने hands use नहीं करती makeup करने के लिए. Always use brush kits. I mean brush kits. So ये दो मेरे brush kits हैं. So these are just kept like that. ऐसी but these are the brushes which I use daily. So this is for blush on. As you can see, red हो चुका है. Highlighting. मैं बेस सिर्फ स्पंज से ही नहीं, इससे भी करती हूँ कभी कभी. सो दिस इज फॉर कंटोरिंग चीक्स और बस आई शेडो और इन सब चीज़ों के लिए बाकी के ब्रशेस हैं. सो यस, लिप बाम भी है. लिप बाम का मैं लिपस्टिक ज़्यादा क्योंकि एक ही लिप बाम सब पे चल जाता है. सो या आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो. मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ शेयर करके बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग आई गेस बीट मेकअप रूम बीट हाउस एवरीथिंग बट मैंने अभी तक कोई कलेक्शन वीडियो नहीं किया था. सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. फ्यूचर में शायद अपने और कलेक्शन करूँ. पीपल डोंट नो दैट आई हैव अ फेटिश फॉर शूज़ बिकॉज बहुत सारे जूते चप्पल है जिस दैट कि अभी वो अच्छे से रखे नहीं गए. सो आई लव 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 डूइंग द सेगमेंट विथ यू ऑल एंड मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगी सबको जो भी मेकअप करता है. Just do what, just use those brands which suit your skin, beat whatever. किसी का देख कर या यू नो किसी को फॉलो करके बहुत सारे लोग यू नो कुछ भी उठा लेते हैं एंड देन यू नो दे गेट स्किन प्रॉब्लम्स. प्लीज़ नहीं. एंड मेकअप करो यार, बिंदास करो. ऐसा नहीं कि मेकअप मत करो स्किन ख़राब हो जाएगी. डू मेकअप बट ऑब्वियसली यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्किन टू ब्रीद. हम एक्टर्स 12-13 घंटे अपने फेस पर मेकअप रखते हैं. So, but yes, drink lots and lots of water if you're doing lots and lots of makeup. And do everything. Try new lip colors, try new eyeshadows. And makeup trend mein believe mat karo, jo aapki skin ko suit karta hai, wo karo. Har cheez ko try karna chahiye though. But yeah, just do makeup and love yourself.